सर के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अग्निशामक यंत्र या आग को बुझाने वाला यंत्र कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल हम बताना चाह रहे हैं कि कौन फायर एक्सटिंग्विशर किस चीज़ में यूज होता है, जो इसके बारे में जाने कि किस टाइप में हम लोग कौन सा फायर या अग्निशामक यंत्र को यूज करते हैं। पहला दिया है इसमें वाटर, वाटर के साथ इसका कोड दिया हुआ है जो सिंगल रेड, जिसमें थ्री कोडिंग के द्वारा हम लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग सिंगल रेड के लिए यहाँ पर हम लोग फायर क्लासेस के लिए ए का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ए जो यूज होता है ए कोडिंग रहता है, जिसमें हम लोग वुड, पेपर और क्लॉथ तीन चीज़ को हम लोग बुताने के काम में लाते हैं। दूसरे में यदि हम लोग फोम का यूज करते हैं तो इसके लिए यह सिंगल रेड और क्रीम पैनल, इसमें अबव ऑफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में ए बी कोड रहता है, जिसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ड्राई पाउडर के लिए अलग यूज होता है, जिसमें हम लोग कोडिंग रेड और ब्लू पैनल एबव के साथ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन रहता है। और इसमें दूसरा देखा गया है कि जो हम लोग देखते हैं इस कोडिंग के अनुसार में, जैसे रेड है, विलो है, ब्लू है, उस मुताबिक में फायर एक्सटिंग्विशर पॉट में हम लोग उसी प्रकार का कलर को देखते हैं। इसमें ए बी सी कोडिंग रहता है, जिसमें हम लोग कपड़े का, वुड का, लकड़ी का, क्लॉथ का, पेपर का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए हम लोग आग बुझाने के काम में लाते हैं। इसके बाद हम लोग देते हैं, जो देखिए ब्लैक स्पेस दिया हुआ है, जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रहता है, जिसमें रेड और ब्लैक पैनल के लिए यहाँ पर कोडिंग रहता है। और इसमें हम लोग ए और बी लिमिटेड के लिए ऑक्सीजन, एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल या बिजली के लिए, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें फायर के लिए हम लोग पीवीसी माने पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी यदि आग लगता है तो इसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। इस पर हेलन एक ऐसा सब्जेक्ट दिया गया है या फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया है, तो जिसमें हम लोग दोनों चीज़ को, जैसे ए यहाँ पर वाटर के लिए और उसी प्रकार हेलन का भी हम लोग यूज करते हैं, जो कोडिंग ए के लिए होता है, जिसमें हम लोग पेपर, नायलॉन, क्लॉथ और इसमें बहुत से ऐसे सामग्री है जो रिलेटेड इसमें हम लोग यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि वेट केमिकल, वेट केमिकल के लिए हम लोग ए एफ का यूज करते हैं और इसका कलर कोडिंग रेड और क्रीमी विलो होता है। इसमें हम लोग लेदर, पेपर, नायलॉन और क्लॉथ और एलपीजी गैस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो गाड़ी वगैरह में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। स्पेशल पाउडर में अलग आता है, जिसमें रेड और ब्लू पैनल के साथ यूज करते हैं, जो डी कोडिंग के लिए रहता है, जिसमें हम लोग सोडियम, इथियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जस्ट लाइक अपने मेटल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहला महत्व देखना है कि हम लोग अग्निशामक यंत्र को हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं और कैसे करते हैं। इसमें सबसे बड़ा महत्व है कि कहीं पर भी बिजली लग सकता है, चाहे वो घर में हो, चाहे एलपीजी गैस के माध्यम से हो या बिजली के लिए हो, तो हर चीज के लिए हम लोग एलपीजी गैस को, या आकस्मिक अगर बिजली में भी आग लग गया तो हम लोग अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग यूज करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अग्निशामक यंत्र। जैसे मान लीजिए कि गाड़ी बाजार में जब आग लगता है तो उसमें एक एक इंसुलेटर चढ़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं इस की को निकालते हैं। जब ये की निकलेगा तो यहाँ पर इस भाग को हम लोग दाबेंगे, इसके अंदर में एक भाग है, जो भाग क्या होता है, तार होता है, टूटता है, वो शीशे का कांच का रहता है और उसमें एक गैस उत्सर्जित होता है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर जो बना हुआ है ये ड्राई पाउडर का है, ड्राई पाउडर इसमें से निकलता है जो इस पाइप के द्वारा निकलेगा और इसके द्वारा प्रेशर से यहाँ पर जिसमें आग बुताना है, जैसे लिक्विड है, पेट्रोलियम है या लोहे का स्लैग है, उस चीज़ को बुताने के लिए काम आता है। ये इंडक्शन मैनुअल यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप इंडक्शन मैनुअल को ले सकते हैं। कोडिंग में दिया हुआ है यहाँ पर ब्लू कोडिंग दिया हुआ है, ड्राई पाउडर के लिए ब्लू कोडिंग है, इसमें हम लोग यूज करते हैं आपको वुड, पेपर, फैब्रिक, वायर, किरोसिन, एलपीजी गैस और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ये दिया हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन से हम लोग ड्राई पाउडर को यूज करते हैं। ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग आग को बुताने में काम करता है। आग को बुताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही ऑक्सीजन बाधित होता है और हर जगह, हर क्षेत्र में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करेंगे। जहाँ पर भी आग लगा है वहाँ पर आग बुतना ही है। इसका यूज इसमें दिखा हुआ है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में किसी प्रकार का पिन नहीं निकलना है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इस पिन को यहाँ पर हम लोग, इसका कोडिंग दिया हुआ है बी और सी, ठीक है। और इसमें हम लोग भल्ब को खोलते हैं और भल्ब को खोलते हैं आपको बुझाया जाता है, ठीक है।